वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल्स और ये स्प्रिंग रोल्स हम बनाएंगे नूडल्स से, यानी जो फिलिंग होगी वो हम नूडल्स से तैयार करेंगे और इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स और कुछ सॉसेज ऐड करेंगे और ये बहुत आसान है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो यूजुअली हमारे घर में, हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं। तो नूडल्स स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। दो नूडल्स के पैकेट लेंगे इस तरह से, जो नॉर्मल पैकेट्स होते हैं। इनके स्पाइसेस को हमने साइड पे रख दिया है, इनको हमने थोड़ा सा नरम किया है पानी में, जैसे उबालते हैं उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं। बहुत ज़्यादा इनको नरम गलाना भी नहीं है, इस तरह से ये होने चाहिए। तीन पीसेस सॉसेजेस के हैं, इनको भी उबाला है और कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे फ्राई करने के लिए। एक छोटा ऑनियन लिया है और थोड़े से हरे धनिए के पत्ते, लॉन्ग बीन्स ली हैं और कैरेट लिया है, इनको छोटा छोटा चॉप करने के बाद इनको भी थोड़ी देर हमने उबाला है। आप चाहें तो इनको ब्लांच भी कर सकते हैं। और चंद एक शीट लेंगे जो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए यूज़ होते हैं, आप घर पे भी बना सकते हैं। और इसके अलावा जो नूडल के साथ स्पाइसेस आते हैं ये भी हम यूज़ करेंगे, और साथ में ये चिली सॉस और सोया सॉस ये भी हम ऐड करेंगे ताकि नूडल का अपना फ्लेवर भी मेंटेन रहे। तो एक बॉल में हम ये स्पाइसेस को खोल के और डाल देंगे। तो नूडल्स के साथ जो तैयार स्पाइसेस हैं वो हमने इसमें डाल दिए हैं। अब जो इसके साथ सॉस आए हुए हैं ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो नूडल के स्पाइसेस को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये उबली हुई सब्जियां, सब्जियां आप इसमें अपनी चॉइस की ऐड कर सकते हैं, जैसा कि पोटैटोस, स्पिनच या और अगर कोई सब्जी आपको पसंद हो। स्प्राउट्स बहुत हेल्दी रहते हैं, आज हमारे पास नहीं है लेकिन वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब ये बॉइल्ड की हुई सॉसेजेस, सॉसेज की जगह आप इसमें बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन भी ऐड कर सकते हैं। चिकन को बॉइल करते वक्त उसमें जिंजर, गार्लिक और ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करना ना भूलें, सिर्फ फ्लेवर इन्हेंस होता है। तो इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ये नूडल्स ऐड करेंगे। तो अब हम इसको ज़रा बड़े बॉल में ट्रांसफ़र करते हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर नूडल्स ज़्यादा लंबे हों तो इनको हम काट सकते हैं। वेजिटेबल्स, नूडल्स और सॉसेज को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये रेडी है कि हम इससे स्प्रिंग रोल तैयार करें। फ्लैट सरफेस के ऊपर हम ये शीट रखेंगे स्प्रिंग रोल की, या समोसा पट्टी जिसको आप कहते हैं वो रखेंगे, और उसमें हम थोड़ा थोड़ा ये नूडल्स का मिक्सचर डालेंगे और फोल्ड करते जाएंगे। और यहाँ पे आटे में हमने थोड़ा सा पानी डाल के एक बैटर तैयार कर लिया है जो हमें यहाँ पे स्प्रिंग रोल को फोल्ड और बंद करने में हेल्प देगा एडहेसिव के तौर पे। तो इतना तकरीबन हम लेंगे मिक्सचर नूडल का और इसको फोल्ड करेंगे। जैसा कि हम रेगुलर अपने स्प्रिंग रोल्स को बनाते हैं उसी तरह से हम बनाएंगे। थोड़ा सा लगाएंगे आटे का जो बैटर था वो, और यूं स्प्रिंग रोल हम तैयार करेंगे। तो हमारे तमाम नूडल स्प्रिंग रोल्स बनके तैयार हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। इनमें हमारा ऑयल गरम हो चुका है, इसमें हम स्प्रिंग रोल डालेंगे। फ्राई होते जाएंगे, उनको हम साथ साथ फ्लिप करते जाएंगे। तो रोल्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको डिश आउट करते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे दो पैकेट से अप्रोक्सीमेटली 22 स्प्रिंग रोल्स तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी हैं। अभी आपको एक तोड़ के दिखाते हैं।
ये देखें कितना क्रिस्पी। तो व्यूवर्स, ये किसी भी ओकेजन के लिए एक परफेक्ट स्नैक है। यूजुअली नूडल्स हमारे घर में मौजूद होते हैं, जब हमारे माइंड में कोई आइडिया ना आ रहा हो तो हम ये बना सकते हैं, और किड्स के लिए भी एक वैरायटी होगी। उनको समझ ही नहीं आ रही होगी कि वो जो खा रहे हैं वो क्या है, क्योंकि नूडल्स सब बच्चों को पसंद होते हैं और स्प्रिंग रोल्स भी सबके फेवरेट होते हैं। तो इसमें प्रोटीन भी है, इसमें अगर आप एग शामिल कर दें तो कैल्शियम भी होगा, और वेजिटेबल्स जो कि फुल ऑफ विटामिंस और मिनरल्स हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।